नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके चार बेटे और एक गुणवती पुत्री थी। एक बार ब्राह्मण की बेटी मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्रानी निकल रही थी, उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्रानी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है तुझे। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः वह सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। जय हो करवा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।